हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज योगी और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल हटके नॉलेज में। दोस्तों, आज मैं फोस्टर इलेक्ट्रिक ब्लोअर का अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ये बॉक्स देख लेते हैं जिसके ऊपर हमको कुछ डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों हमारे ब्लोअर का फोटो है और यहाँ पे दोस्तों उसके लिए कुछ फीचर्स दिखाए गए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। ये ब्लोअर हमारा दोस्तों 220 से 240 वोल्ट पे काम करेगा और दोस्तों इस ब्लोअर के अंदर हमको 650 वोल्ट का मोटर मिल जाएगा, जो कि बहुत ही पावरफुल मोटर होता है दोस्त, जिसका स्पीड 14,000 आरपीएम पर मिनट रहेगा और एयर ब्लोइंग कैपेसिटी यहाँ पे 3.2 मीटर क्यूब पर मिनट दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों हमको उसका मॉडल नंबर दिया गया है FEB-650 VBL। अभी दोस्तों बॉक्स की दूसरे साइड देख लेते हैं। यहाँ पे भी दोस्तों हमको सेम ही डिटेल दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे एक टैग दिया गया है। वो टैग में क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे उसका MRP दिखाया गया है, जो कि 3,000 रुपये लिखा हुआ है। हालांकि दोस्तों मैंने इसको 3,000 में नहीं खरीदा है, मैंने इसको बहुत ही सस्ते दाम में परचेस किया है। तो ये मैंने कहाँ से परचेस किया है और कितने रुपये में परचेस किया है वो मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हमको इस बॉक्स के अंदर और क्या क्या मिलता है। तो चलिए दोस्तों बॉक्स ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमको इस ब्लोअर में से मिल जाएगा ये पाइप, अभी फिलहाल मैं इसको साइड में रखता हूँ। इसके बाद दोस्तों हमको एक ये मिल जाता है डस्ट कलेक्टिंग बैग, इसको भी मैं अभी साइड में रख देता हूँ और देखते हैं दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों हमको ये दो कार्बन मिल जाते हैं। जब हमारे ब्लोअर के अंदर कार्बन बिगड़ जाता है तब हमको इस कार्बन के साथ उसको रिप्लेस करना होता है, अभी इसको मैं साइड में रख लेता हूँ। इसके अलावा दोस्तों हमको यहाँ से मिल जाता है एक ये वारंटी कार्ड और एक मिल जाता है दोस्तों उसका ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, जिसको आपको ब्लोअर को यूज करने से पहले एक बार पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों इसका हमको कुछ काम नहीं है तो मैं इसको भी साइड में रख देता हूँ। तो ये है दोस्तों हमारा ब्लोअर, जो हमारा मेन यूनिट है। अभी देखते हैं दोस्तों, बॉक्स के अंदर कुछ है नहीं तो मैं इसको साइड में कर देता हूँ और ये सबको हम ठीक तरह से देख लेते हैं। अभी दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं ये पाइप, इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अभी दोस्तों मैं दूसरे ब्लोअर की अगर मैं बात करता हूँ तो दूसरे ब्लोअर में एकदम हार्ड मटेरियल आता है प्लास्टिक का, जिसके अंदर आप हल्का सा उसको दबाओगे तो वो क्रैक हो जाएगा, लेकिन वो प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं होने वाला है। अभी दोस्तों देख लेते हैं ये उसका डस्ट कलेक्टिंग बैग, इसका भी क्वालिटी दोस्तों बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको एक चैन दिया गया है तो आप उसको कभी भी इसको खोल के डस्ट रिमूव कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों मैंने अभी आपको ये दिखाया था, ये है उसका कार्बन, जो हमको अगर हमारे ब्लोअर में कार्बन बिगड़ जाता है तो उसके साथ रिप्लेस करना रहेगा। और दोस्तों ये है हमारा वारंटी कार्ड और ये है हमारा ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, जो अभी मैं आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ इसके अंदर हमको 6 मंथ का वारंटी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अभी बात करते हैं हमारे मेन यूनिट ब्लोअर के। इसके अंदर दोस्तों मैं सबसे पहले आपको केबल के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों इसका जो केबल है, इस केबल की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, इसका बिल्ड क्वालिटी सही में बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन अगर आप इसकी लेंथ देखोगे तो आपको इसके अंदर 1.5 मीटर का केबल मिल जाएगा है। अभी दोस्तों देखते हैं हमारा ब्लोअर, ब्लोअर को बहुत डिटेल में देख लेते हैं। ये है दोस्तों हमारा ब्लोअर, इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे फोस्टर की ब्रांडिंग करी गई है। मैं आपको सब साइड से दिखा देता हूँ, इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही लाजवाब है। आप यहाँ पे देखोगे रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, वो भी बहुत जबरदस्त दिख रहा है। यहाँ पे दोस्तों एक नॉब दिया गया है, इसका क्या यूज है मैं अभी आपको बताता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे एक स्टिकर है, वहाँ पे जो हमने बॉक्स पे पढ़ा था वही सेम डिटेल यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों इसका क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है, मैं अभी आपको इसका परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। अभी हम इसको चालू करते हैं और देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है। अभी दोस्तों मैंने इसके पावर केबल को सॉकेट के अंदर लगा दिया है और दोस्तों हमको इस जगह पे हमको ये पाइप लगाना है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों एक स्लॉट दिया गया है, स्लॉट के अंदर आपको ये पाइप बैठाना है, ये इसका पाइप लग गया है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमको ये बैग जो है वो हमको यहाँ पे लगाना है। अभी दोस्तों हमारा ये बैग लग गया है, अभी हमारा ब्लोअर तैयार है टेस्टिंग के लिए, अभी मैं इसको चालू कर रहा हूँ। देखा दोस्तों इसका आवाज के ऊपर से ही इसका परफॉर्मेंस का पता चल रहा है, इसके आवाज के ऊपर से ही इसको हमको पता लग जा रहा है कि ये बहुत ही दमदार है। और दोस्तों यहाँ पे हमको एक नॉब दिख रहा है, ये दोस्तों इस ब्लोअर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि इसके अंदर हमको वेरिएबल स्पीड हम कर सकते हैं, हमको हम इसको अलग अलग स्पीड पे चला सकते हैं। यहाँ पे ये नॉब है, यहाँ से हमको स्पीड सिलेक्ट करना है। तो ये दोस्तों इस ब्लोअर का सबसे बेस्ट बेनिफिट है कि इसके अंदर हमको वेरिएबल स्पीड मिल जाता है, जिसके ऊपर हम अलग अलग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, अलग अलग स्पीड पे काम कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको एक ये बटन दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे जब मैं ये प्रेस करता हूँ और फिर जब इसको छोड़ देता हूँ बंद हो जाता है, लेकिन अगर आपको किसी एक स्पीड पे इसको कंटिन्यूस चालू रखना है तो दोस्तों क्या करना है, आपको ये बटन दबाना है, उसके बाद ये नॉब को दबा देना है। हम ये नॉब दबा देंगे, उसके बाद ये ऑप्शन चालू रहेगा। उसके बाद अगर आपको इसको बंद करना है तो सिंपल यहाँ पे आपको प्रेस करना है, तो दोस्तों ऐसे ये बंद हो जाएगा। अभी दोस्तों मैं इसका आपको डेमो दिखा रहा हूँ कि ये कैसे काम करेगा।
तो प्लीज आप ध्यान से देखिएगा। अभी दोस्तों देखते हैं कितना दूर है। अभी दोस्तों देखते हैं कितने दूर तक प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कितना जबरदस्त इसका प्रभाव। तो देखा दोस्तों ये कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है। मैं इतने दूर से इसको एयर ब्लो कर रहा था, फिर भी ये आराम से पर्दे को उड़ा दे रहा है। तो दोस्तों इसका परफॉर्मेंस वाकई में बहुत जबरदस्त है, बहुत पावरफुल। तो दोस्तों ये तो हमने देखा इसका ब्लोअर का पावर, जो एयर को ब्लो करता है, मतलब कि एयर को फेंक रहा है। तो दोस्तों अभी हम देख लेते हैं इसका सक्शन का पावर, जो एयर को खींचेगा। मतलब आपको कहीं से अगर एयर को खींचना है, कहीं से आपको कचरा खींच के निकालना है, तो उसके लिए भी ये काम करेगा। इसके लिए दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों अभी इस पाइप को हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और यहाँ से ये डस्ट बैग निकाल के हमको यहाँ पे आगे लगाना पड़ेगा। तो फिर दोस्तों ये अभी एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करेगा। मैं आपको ये पूरा प्रोसेस करके दिखा। अभी दोस्तों हम चेक कर रहे हैं इसका सक्शन कैपेसिटी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने थोड़ा कचरा रखा है, और मैं चेक करता हूँ ये कितना इसको कलेक्ट कर पाता है। दोस्तों अभी आपने देखा इसका सक्शन कैपेसिटी भी बहुत ही अच्छा है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हालांकि मार्केट में बहुत सारे ब्लोअर अवेलेबल है, इनका मेन जो पर्पस रहता है वो एयर को ब्लो करना रहता है, इसलिए उनका वैक्यूम कैपेसिटी इतना अच्छा नहीं होता है। तो मुझे शायद ऐसा लगता था कि इस ब्लोअर का भी वैक्यूम कैपेसिटी नॉर्मल ही होगा, लेकिन भी इसका वैक्यूम कैपेसिटी सही में बहुत जबरदस्त है। तो दोस्तों कुल मिला के ये एक बहुत ही अच्छा डील है, और ये बहुत ही अच्छा ब्लोअर है। अभी दोस्तों बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। दोस्तों अभी मैंने जैसे कि आपको बॉक्स पे दिखाया था, बॉक्स के ऊपर इसका MRP लिखा है 3000 रुपीज़। लेकिन दोस्तों मैंने इसको 3000 में परचेज नहीं किया है, मैंने दोस्तों इसको परचेज किया है सिर्फ 1000 रुपीज़ में, और इसको मैंने परचेज किया है फ्लिपकार्ट के ऊपर से। ये दोस्तों मैंने जब परचेज किया था, तब बिग बिलियन डे का ऑफर चल रहा था, मैंने इस ऑफर में लिया है, तो इसलिए मुझे ये 1000 रुपीज में पड़ा है। अगर आप अभी जाके इसका प्राइस चेक करोगे, तो इसका प्राइस शायद आपको 1350 से 1400 रुपए के आजू बाजू दिखाएगा। अगर दोस्तों आपको ये ब्लोअर परचेस करना है, तो मैं इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे क्लिक करके इसको आप परचेस कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो आपको बेल आइकन दिख रहा है, उसको दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं ऐसे अनबॉक्सिंग की वीडियो लेके आऊँ, तब आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।